हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा मैजिक टेस्टर बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो आप बहुत आसानी से घर पे बना सकोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने कैसे बनाया इस मैजिक टेस्टर को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो को देखना फ्रेंड्स। देखो, सबसे पहले मैंने इस टेस्टर को बनाने के लिए एक आईसी को लिया, जो मैंने पुराने एक सर्किट बोर्ड से निकाला था, LM324N। ये एक आईसी है, तो उस आईसी का मैंने इस्तेमाल करके मैंने आज की इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो आप लोग देख पाओगे मैंने कैसे बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटा सा एक 3.7 वोल्ट की बैटरी के साथ उस आईसी को लगा दिया और एक एलईडी बल्ब को लिया, ये आप देख सकते हो। तो इस एलईडी बल्ब के साथ इस आईसी को लगा लेना है, और मैं जैसे लगाऊँगा इस वीडियो में, आप भी वैसे लगा लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत आसान है उसका कनेक्शन करना। जितने भी कनेक्शन है ना, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इस बैटरी का जो पॉजिटिव कनेक्शन है ना, एलईडी का पॉजिटिव और जो आईसी का बीसीसी है ना, बीसीसी पिन पे लगा लेना है, और जो नेगेटिव वायर है ना बैटरी का, उसको ग्राउंड पिन के साथ लगा लेना है आईसी का। तो ये सर्किट बन के लगभग तैयार हो चुका है, सिर्फ एक एंटेना को लगाना है। ये जो एंटेना आप लोग देख रहे हो, इस एंटेना को मैंने एक कॉपर वायर से बनाया है। तो इस एंटेना को लगा लेते हैं। ये देखिए, एंटेना को लगाते ही हमारा जो मैजिक टेस्टर है ये काम करना चालू कर दिया फ्रेंड्स। ये जो मैजिक टेस्टर है वो आपका बहुत काम आ सकता है, उसके अलावा आपका बहुत टाइम को भी बचा सकता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपके घर के अंदर एक वायर है और इस ये वायर ख़राब हो गया है, तो आप क्या करोगे, इस वायर को पूरा चेंज कर दोगे। देखो, वायर तो ज़्यादातर क्या होता है, वायर के अंदर कोई पे टूट जाता है, तो हमें पता नहीं चलता वायर के अंदर कहाँ पर टूटा हुआ है, इसलिए हम पूरा वायर को चेंज कर देते हैं। देखो, वायर के अंदर कहाँ पे टूटा हुआ है अगर हमको मालूम हो जाता तो क्या करते, इस वायर को जोड़ देते और फिर से लगा देते। देखो भाई, हम खर्चे से भी बच जाते फ्रेंड्स। ये जो टेस्टर है, इस टेस्टर के ज़रिए आप ये काम बड़े ही आसानी से कर पाओगे। आप सोच रहे होंगे कि ये टेस्टर कैसे बताएगा हमको कि कहाँ पर टूटा हुआ है। देखो, ये टेस्टर ऐसे बताएगा, जैसे कि आपका घर के जैसे एक स्विच है और इस स्विच को आप ऑन कर देते हो, फिर भी लाइट नहीं ग्लो हो रहा है, तब क्या करना, इस टेस्टर से इस वायर के ऊपर से ऐसे मतलब ले जाना है, जहाँ तक ये मतलब इसे टेस्टर का लाइट ग्लो होगा, तो यहाँ तक मतलब वायर ठीक है। और जिस जगह पे जाके इस जो टेस्टर है इसका लाइट ऑफ हो जाएगा, तो समझ लेना इस जगह पे टूटा हुआ है। तो क्या करना, इस जगह पे काट करके फिर से इस वायर को जोड़ देना, तो भाई आपका वायर भी ठीक हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, एक मिनट का भी काम नहीं है, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। देखो, जो पूरा घंटों का काम है सिर्फ एक मिनट में कर देगा, तो ये एक कमाल का चीज़ है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, और एक बात है, इस मैजिक टेस्टर को आप सीधा इलेक्ट्रिसिटी के तार पे टच मत करवा देना, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और आपके साथ बहुत बड़ा एक हादसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना।